हिलोरे मारती लहरें, गगनचुम्बी इमारतें, एक ओर अथाह समुंदर तो दूसरी ओर मुंबई शहर। शाम बिताने के लिए भला इससे खूबसूरत जगह क्या ही हो सकती है। शाम में जगमगाती रोशनी भरी सड़कें इसे और खूबसूरत बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के हॉट टूरिस्ट पॉइंट में सुमार मरीन ड्राइव की। मुंबई के मरीन ड्राइव की कुछ बात ही निराली है। खासकर शाम के समय स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जगमगाती ये जगह किसी महारानी के गले का हार लगती है। शायद इसीलिए इसे क्वीन नेकलेस भी कहा गया है। हम में से कई लोग इसका इतिहास नहीं जानते होंगे, तो चलिए आज मैं आपको इसी मरीन ड्राइव की कहानी बताता हूँ। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से नरीमन पॉइंट तक की सड़क को मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। मुंबई वासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मरीन ड्राइव आकर्षण का केंद्र होती है। क्या आप जानते हैं कि मुंबई का मरीन ड्राइव एक बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने के कारण बना है? जी हाँ, एक प्रोजेक्ट जो कि काफी प्रयासों के बावजूद भी फेल हो गया और तब जाकर मुंबई वासियों को मिला मरीन ड्राइव। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल नरीमन पॉइंट को मालाबार हिल से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले साल 1860 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण से ये पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद साल 1920 में फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार भी नाकामी हाथ लगी। कई तरह के झमेले और कई बार प्लान फेल होने के कारण फिर से यहाँ परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। यहाँ समुन्दर और शहर के बीच जो दीवार दिखती है उसे बनाने का कार्य ब्रिटिश काल में सन 1915 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में करीब 5 साल लग गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निर्माण के दशकों बाद तक इसे किसी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी। इस ऐतिहासिक जगह पर केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ तक कि ब्लैक एंड व्हाइट एरा में मरीन ड्राइव नाम से भी एक फिल्म बनी थी। शाम के वक्त खासकर युवा और प्रेमी जोड़ों की भीड़ से यहाँ मेले जैसा नजारा रहता है। तो आप भी अगर मुंबई का टूर प्लान करते हैं तो मरीन ड्राइव जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।